लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच सरोगेसी बिल 2016 पास हो गया। ये विधेयक सरोगेसी यानी किराए की कोख के प्रभावी नियम को सुनिश्चित करेगा और निसंतान भारतीय दंपतियों की जरूरत के अनुसार सरोगेसी की इजाजत देगा, जिसके बाद देश में कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लग जाएगी, जिसका मतलब है कि अब सरोगेसी व्यवसाय नहीं बल्कि एक परोपकार का साधन होगा। अब आपको बताते हैं कि सरोगेसी होता क्या है। सरोगेसी में तीन लोग शामिल होते हैं। कुछ कपल्स जब किन्हीं कारणों से माता पिता नहीं बन पाते तो वे तीसरी महिला की मदद लेते हैं। IVF टेक्नोलॉजी की मदद से पति के स्पर्म और पत्नी के एग से बना एम्ब्रियो तीसरी महिला की कोख में इंजेक्ट किया जाता है। इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसका DNA सरोगेसी कराने वाले कपल का ही होता है। दरअसल भारत में पिछले कुछ साल से सरोगेसी का चलन ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से देसी ही नहीं विदेशी भी यहां आकर सरोगेसी का सहारा लेते थे। इसलिए भारत को सरोगेसी हब कहा जाने लगा था, क्योंकि यहां कम खर्च में किराए की कोख मिल जाती है, जिसके लिए रूरल और ट्राइबल महिलाओं का शोषण होता था, जिसके कारण ही सरोगेसी के लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक अमीर लोग IVF सेंटरों को 20 से 50 लाख रुपए तक देते हैं, लेकिन किराए पर कोख देने वाली महिलाओं को 40 से 50,000 रुपए ही मिलते हैं। भारत में सरोगेसी सबसे सस्ती है। अनुमान है कि भारत में करीब 2,000 सरोगेसी क्लिनिक चल रहे हैं। US, ब्रिटेन, नेपाल, थाईलैंड जैसे कई देश सरोगेसी को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सरोगेसी बिल के मुताबिक किसे सरोगेसी की इजाजत है और किसे नहीं। सिर्फ वे कपल्स सरोगेसी करा पाएंगे जो किन्हीं कारणों से माता पिता नहीं बन सकते। ऐसे कपल्स जिन्हें शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ हो। सरोगेट मदर का करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है। उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, जिसका कम से कम एक अपना बच्चा होना चाहिए, और इसके अलावा वो एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है। इसमें ऐसे कपल को शामिल किया गया है जिनके बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बता दें, सरोगेट मदर और उससे संतान चाह रहे कपल को सक्षम अधिकारी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। सरोगेसी बिल के मुताबिक सिंगल पेरेंट, लिव इन कपल्स, होमोसेक्सुअल कपल्स और अनमैरिड कपल्स सरोगेसी की मदद नहीं ले सकते हैं, बल्कि ऐसे मामलों के लिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएंगे। इन्हीं के जरिए सरोगेसी को रेगुलेट किया जाएगा। जिन कपल्स को पहले से ही बच्चे हैं उन्हें सरोगेसी की इजाजत नहीं है, हालांकि उन्हें एक अलग कानून के तहत बच्चा गोद लेने का अधिकार है। सरोगेसी बिल के तहत सरोगेसी की मदद ले रहे लोग इसके लिए केवल महिला के मेडिकल खर्च और इंश्योरेंस कवरेज का ही भुगतान कर सकेंगे। बता दें, इस नई प्रावधान से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वो पुराना नियम खत्म हो जाएगा, जिसमें किसी महिला को अपने बच्चे समेत 5 बार तक बच्चे पैदा करने की अनुमति मिलती थी। सरोगेसी बिल के नियमों को अब कठोर बना दिया गया है। अगर सरोगेसी के ये प्रावधान तोड़े गए तो इसके इच्छुक दंपति और सरोगेट मदर को कम से कम 5 साल और 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 5 लाख तक और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके नियमों को तोड़ता पाया गया तो उसे भी 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें, आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, तुषार कपूर, करण जौहर और सनी लियोनी ने माता पिता बनने के लिए सरोगेसी का सहारा लिया था। इनमें से आमिर और शाहरुख के पहले से ही बच्चे थे। वहीं तुषार कपूर और करण जौहर सरोगेट मदर के जरिए सिंगल पेरेंट बने हैं।